उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ कम करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया गया, जिसके तहत नाबालिगों के दो पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन स्वामी और नाबालिग के अभिभावकों के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान भी रखा गया है। बावजूद इसके लगातार सड़कों पर नाबालिग दो पहिया वाहन से फर्राटे भरते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद जनपद की, जहां कई इलाकों में स्कूली बच्चे दोपहिया वाहन पर तीन तीन सवारियों को बैठाकर फर्राटे भरते दिखाई दिए। यही नजारा हाईवे पर भी दिखाई दिया। मुरादाबाद के नेशनल हाईवे 9 पर तीन छात्रों को बैठाकर नाबालिग दो पहिया वाहन दौड़ाते देखे गए। वहीं शहर के सिविल लाइन्स स्थित निजी स्कूल में भी तीन स्कूली छात्र दोपहिया वाहन पर दिखाई दिए। ये देखकर ताज्जुब तब होता है कि सख्त आदेश होने के बाद भी आखिर नाबालिग सड़कों पर फर्राटे भर अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यही दिखाई देता है कि पुलिस विभाग के साथ परिवहन विभाग की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई न होना, जो नाबालिगों और उनके अभिभावकों को बेफिक्र कर रहा है। हालांकि पुलिस और परिवहन विभाग लगातार यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए तमाम वादे करता है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। आपको बता दें कि रोड एक्सीडेंट का ग्राफ नीचे लाने के लिए योगी सरकार हाल ही में अहम फैसला लाई है, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों पर वाहन चलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके साथ ही नियम का उल्लंघन करने पर नाबालिग के अभिभावक को 3 साल की जेल या 25,000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन भी 1 साल के लिए रद्द करने का नियम है। वहीं पकड़े जाने पर नाबालिग का 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक है। इतना सख्त नियम होने के बावजूद उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।